जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ भाई, सीरियसली तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा कि तुम्हें करना क्या चाहिए फिलहाल, क्योंकि तुम्हें झल्लर की तरह तो बंदे जाते हुए दिख रहे होंगे। तो हाई गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज के सेकंड पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। प्लीज़ गाइस, इस वाली वीडियो को पूरा देखते रहना, क्योंकि ये वीडियो एक तरीके से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है पबजी मोबाइल लवर्स के लिए। क्योंकि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस चीज़ को भाई मैंने देखा देखा था और सुनी सुनाई बातें थी कि भाई पूरा का पूरा सर्वर एक जगह पर उतर जाता है। मतलब मैंने इतनी बार सुना था ना, पर मेरे साथ आज तक खुद हुआ नहीं था क्योंकि मैं वाईफाई पर खेलता था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार ये सिर्फ जियो वालों के साथ होता होगा या जिनका सिम वाला नेटवर्क है उनके साथ होता होगा, क्योंकि अभी पबजी बैन का इशू चल रहा है। तो मैंने सोचा कि यार ये उन्हीं के साथ हो रहा होगा, सर्वर की कोई दिक्कत होगी। पर गाइस, ये एक नए तरीके का हैक है और इस वाले मैच में भी एक हैकर है, तो वो देखना भाई वो क्या जुगाड़ बिठाएगा। मतलब अभी हमारा तुम्हें गेम प्ले बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, तुम्हें पता भी नहीं लग रहेगा कहीं से कि यहाँ पे यार कोई हैकर है। ठीक है, आरपी वैसे ही आई जैसे हमेशा आती है भाई, प्लेन भी वैसे ही जा रहा था जैसे हमेशा जाता है, पर यार इस प्लेन के अंदर जा रहा था एक हैकर जो कि सब बंदों की पिंग हाई कर देने वाला था, पूरा का पूरा सर्वर फ्रीज कर देगा और सभी बंदों को एक जगह उतरवा के मरवा देगा। अभी यहाँ पे तुम मेरी पिंग देख सकते हो, 30 के करीब मेरी पिंग आ रही है, तो इसका मतलब मेरा इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा सही है। मिलिट्री बेस मैंने मार्क लगाया क्योंकि भाई मुझे मिलिट्री बेस ही कूदना था, पर यहाँ पे मेरे साथ भाई क्या गलत सीन हुए तुम खुद देखना। तुम कहोगे कि यार मतलब ऐसा हो कैसे सकता है, अगर तुमने आज से पहले तुम्हारे साथ नहीं हुआ ना यार तो देख के जाना भाई, इतनी खतरनाक चीज़ है ना। मेरे पास गेम प्ले भी था, मैं तुम्हें दूसरा गेम प्ले दिखा सकता था, पर ये चीज़ दिखानी थी भाई आज तुम्हें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एपिक सीन हुआ था मेरे साथ। ठीक है, मैंने लगाया मार्क मिलिट्री बेस, मुझे पता था यार मिलिट्री बेस उतरना है मुझे, क्योंकि वहीं पर बंदा आएंगे। पहले जो है हैकर हमें मतलब वहां मारा करे थे पूरे मैच में। ठीक है, और हमारे पास एक हक होता था कि भाई हम नीचे जाके लूट कर लें, पर अब तो भाई पबजी वालों ने हमारे से वो सीन भी छीन लिया। अभी फिलहाल आ गया था मेरा मिलिट्री बेस बहुत ज़्यादा करीब, इतनी देर में भाई मैं 600-700 पर कूद जाता हूँ आराम से। अब मैंने भाई जंप का बटन दबाया, मैं देखता हूँ यार मेरा बंदा बाहर ही नहीं आ रहा प्लेन से। मैंने कहा भाई क्या हुआ, चाय बिस्कुट ज़्यादा मिल गया तो ये प्लेन प्लेन में बाहर आ भाई कूदते चल। पर थोड़ी देर बाद मैं रियलाइज़ हुआ कि भाई ये मेरे साथ नहीं, ये तो भाई पूरा का पूरा सर्वर ही फ्रीज हो गया। यहाँ पे थोड़ी देर बाद मेरा बंदा आया बाहर और मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब यहाँ पे मेरा गेम चल रहा था। ठीक है गाइस, ये बंदे भाई सीधे स्ट्रेट कूद रहे थे, मेरा गेम चल रहा था, मेरी हवा में मूवमेंट और थी, भले ही पिंग आई थी, तो मैंने सोचा कि यार मुझे तो बहुत सारे किल मिलेंगे नीचे। मैंने यूँ नहीं देखा भाई ग्लिच है सर्वर सर्वर का क्या हुआ है, मुझे कुछ मतलब नहीं था, बस मुझे ठानी थी सबसे पहले गन, और भाई मैं सबसे नीचे गया, पर मेरे से पहले भाई इतने ज़्यादा बंदे आ गए यहाँ पे, भाई देखना क्या भसड़ मचने वाली है। ऊपर देखो जरा, एक मिनट नज़ारा, अरे लोंडो आओ नीचे सारे। मैं हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हराम्य आदमी, यहाँ पे मेरी जैसी पिंग सही हुई मैं तो भाई घरों में गया लूट करने, क्योंकि मुझे था केडी का लालच। मैंने सोचा कि लगे हाथ केडी बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे इतने सारे बंदे उतर के 50-50 किल कर दूंगा और भाई एक अलग ही रिकॉर्ड बन जाएगा। मुझे मिली 2 शॉटगन, अब इन 2 शॉटगन को उठा के ना मैं 50 बंदों के बीच में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर पूरे 50 बंदे उतरे हुए। एक ही गया मेरे सामने से, पर भाई मैं अभी तक यहाँ पर पैनिक था, मैंने कहा यार ये हुआ क्या, और मेरे शॉट भी नहीं कनेक्ट हुए शॉटगन के, जो कि कभी होते ही नहीं। पर यहाँ पर मैंने 2 बंदे मार दिए इनको, ये बंदे साले ऑलमोस्ट मुझे मार ही देते, पर फिलहाल मैंने इन्हें मारा, इनके पास से हीलिंग मिली मुझे, मैंने वही हीलिंग लगाई और अब बारी थी यहाँ पे जितने भी बंदे उतरे हुए थे भाई उन्हें मारने की। पर अभी तक मैंने सोचा था कि यार चलो जो भी हुआ मेरे साथ इतने सारे बंदे उतर गए भाई, बढ़िया है मुझे गेम प्ले वगैरह मिल जाएगा इसी चक्कर में। अब यार मैं पॉजिटिव आदमी, ठीक है, मैंने एक तरीके से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया। मैंने कहा कि यार चलो कोई बात नहीं, बंदे उतर के बढ़िया है भाई, एक तो वैसे ही हॉट ड्रॉप पे बंदे नहीं आते। इस हैकर ने यहाँ पे 50 बंदे तार दिए, बहुत ज़्यादा सही हुआ, इन्हें मार के चलता बनूंगा यहाँ से। और अब तो मेरे पास शॉटगन भी नहीं थी, एक फर्स्ट एड मिल गई, एक AKM मिल गई, इससे ज़्यादा बड़े लूट क्या ही होगी मेरे लिए। मैंने फर्स्ट एड लगाई, अब बारी थी यहाँ पे बंदों को मारने की, बंदे मेरे बिल्कुल सामने ही थे। ये बंदा भाई गाड़ी लेके भागने की कोशिश कर रहा था और इस बेचारे को तो पिस्टल ही मिली। चलो ठीक है, 5 किल कर दिए मैंने यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा मतलब कतई भसड़ सी मचा दी। ठीक है, मज़ा आ गया है। अब मैं जाने लगा बिल्कुल सामने की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बंदे थे और एक बंदा छत पे घूम रहा था। अब फिलहाल इस बेटी चौथ बंदे को मैं मार देता हूँ, पर यहाँ पे मुझे फिलहाल किल पे किल मिले जा रहे थे, तो भाई एक तरीके से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
पर गाइस अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि यार वाला हैकर एक और बार सर्वर को फ्रीज करेगा और उसके अंदर भाई मेरे तो ऐसा हाल होने वाला था ना, बहुत ज़्यादा बुरा। यहाँ पे मैंने उजी उठाई, दो बंदों का मेरे ऊपर रश हुआ। मैंने यहाँ पे जैसे इन दो बंदों को मारा उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ तुम खुद देखना। यहाँ पे मैं लूट रहा था भाई, थोड़ी देर बाद लूटते लूटते मेरे बंदे ने उठाना ही बंद कर दिया। मैं कहा भाई उठा ले, क्रेट में कुछ माल पानी पड़ा पर इसने उठाया नहीं, ठीक है। उसके बाद आया एक बोट, इसने मुझे मारना शुरू करा। मैंने कहा यार मत मार भाई, क्या हुआ? और कुछ फेंक रहा था मैं, कुछ भी नहीं उड़ता। मुझे पता लगा कि भाई दोबारा से, मतलब उस हैकर ने भाई दोबारा से सर्वर क्रैश कर दिया। मतलब भाई एक तरीके से तुम देखोगे ना, हैकरों के हाथ में पूरा सर्वर है, वो कभी भी इसे फ्रीज करेंगे, कभी भी इसे रिलीज करेंगे, ठीक है। मेरे लग रही थी कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे भागा उस बोट से पल्ली तरफ, गेम चल रहा था पता नहीं कैसे चल रहा था। अब मैं आया ऊपर, डैमेज भी पड़ रहा था मेरे बोट को, मैं मार नहीं पा रहा था, गन से गोली निकल रही थी, कुछ हो ही नहीं रहा था एक तरीके से। अब मैं यहाँ पे देखना दीवार के आर पार भी भाई बोट मार रहा था मेरे। अब सबसे पहले भाई तुम्हारे साथ अगर ये चीज़ होगी तो तुम क्या करोगे? तुम बार बार अपना इंटरनेट ही चेंज करोगे? भाई वही मैं कर रहा था, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था भाई ये कोई हैकर वगैरह है और सर्वर वगैरह फ्रीज कर रहा हरामखोर बैठ के कहीं, ठीक है। मैंने अपना इंटरनेट चेंज करा पर कुछ हुआ ही नहीं यार। मेरी जो है फिलहाल 1 HP बच रही थी और भाई मेरी बहुत ज़्यादा फट रही थी। मैंने कहा यार अभी तो 8-9 किल करे थे, इतना बढ़िया सर्वर यहाँ पर उतरा था और इतने में भाई मेरी इतनी सी HP बची। और अब मैं सबसे ऊपर चला गया और यहाँ पे देखना मेरे साथ क्या हुआ भाई, एकदम बंदा मेरा मर जाएगा। और देखो कहाँ से मारा बोट ने, पता नहीं भाई सर्वर पूरा को पूरा फ्रीज कर दिया था यार उस हैकर ने। तो होप सो गाइस तुम्हें आज के लिए वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। आगे एक मोंटाज है, इसे देखो। Corner of the room, not ready to resume.
मुझे बताना तुम्हारे मैच में सर्वर फ्रीज वाला हैकर आया है या नहीं। और भाई एक तरीके का हैक है यार, मतलब ग्लिच होगा भाई, कुछ ही बंदों के साथ होगा, मेरे पास तो इतना सही वाईफाई है, मेरे साथ कैसे हो सकता है ये सीन। हुआ हो तो यार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और इस वाली वीडियो पे लाइक कर देना। इस वाली वीडियो पे एम करते हैं 1 लाख लाइक्स का, मुझे पता है शायद से तुम करा दोगे, और लाइक जरूर करते जाना, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ये ना मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आगे तुम मुझे फॉलो कर सकते हो मोर अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।